महेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट बॉलीवुड में। सबसे पहले तो ये बताइए, डोर की कहानी क्या है? कहानी है दो औरत की, और एक औरत दूसरी औरत के खोज में निकलती है अपने पति के जान बचाने के लिए। तो विजुअली काफ़ी ड्रामेटिक फिल्म है, स्पेशली मेरे नज़रिए से, क्योंकि मेरे फिल्म्स हमेशा रियल रह चुके हैं। हियर इट्स ऑल्सो रियल, पर उसको ज़रा स्ट्रेच करते हुए रीच इन टू मोर ड्रामेटिक रेम्स। ओके नागेश, आपकी जितनी भी पहले फिल्म हो, चाहे हैदराबाद ब्लूज हो या तीन दीवारें हो या इकबाल हो या रॉकफोर्ड हो, हर जगह देखा जाए, मतलब ऐसा सबने नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं आप शायद अपने कैरेक्टर को या शायद अपनी तरफ से, अपने नज़रिए से या अपने आप को प्ले करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या डोर भी उसी तरह की फिल्म है या नागेश का कुछ, यू नो? वेल, जब कोई राइटर एक कहानी लिखता है तो अपने कुछ एलिमेंट्स या फिलॉसफी जो कहते हैं, या कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स 100% वो कहानी में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वोट डाल ही देता है। I'm sure there are many elements of me in Door as well, but obviously I have not gone through the experience. But I guess, you know, that's why the creative element comes in. क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर कहानी में we have our exact same experiences. थोड़े जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वी कैन स्ट्रेच इट एंड पुट इट इन अदर स्टोरी। सो डोर में काफ़ी एलिमेंट्स है विच डेफिनेटली इज समथिंग आई बिलीव इन। ओके, नागेश, श्रेयस को वापस से लेने का क्या सोचा अब आप, यू नो, क्या ऐसी उनमें खास बात है एज एन एक्टर जो आपको लगा कि डोर के लिए फिट? वेल, श्रेयस के साथ जब मैं इकबाल में काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो एक्टर के ट्रेड्स हैं, फैसेट्स हैं, मैं सिर्फ आई एक्सप्लोर जस्ट अ फ्यू, और काफ़ी ऐसे ट्रेड्स हैं विच ही डेफिनेटली हैड टू शोकेस विद टू द वर्ल्ड। और मुझे यही मन में था कि अगर किसी दिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट या मूवी हो जिसमें आई कैन यूज़ दैट साइड, आई डेफिनेटली विल टेक द अपॉर्चुनिटी। और कोइंसिडेंस से बिल्कुल अगली फिल्म डोर रही है एंड I got a chance to work with him. Okay, Nagesh, आपने कहा क्रिएटिव, बहुत ड्रामेटिक, क्रिएटिव ड्रामेटिक फिल्म है आपने बोला, कि तो मैं ये पूछना चाहूँगी, चाहे पिछली फिल्म हम इकबाल ने, उतनी सारी फिल्में आपकी कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल नहीं रही जितनी इकबाल रही, लोगों ने बहुत पसंद किया और क्रिटिक्स के द्वारा भी बहुत सराहा गया, तो इसलिए क्या डोर को करने का थोड़ा ड्रामेटिज्म क्रिएट किया गया या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? नहीं, हर फिल्म के साथ मैं अपने लिए एक चैलेंज रखता हूँ कि ऐसी जॉनर में वेंचर करूँ जहाँ पहले मैं वेंचर नहीं किया। आई हैव ऑलवेज सेड कि अगर किसी दिन ऐसा कोई सब्जेक्ट मिले जिससे मैं आई गेट टू वेंचर इनटू दिस ड्रामेटिक थिंग, क्योंकि यू टेक द ग्रेट फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ऐसे काफ़ी ड्रामेटिक फिल्म्स हैं, पर मटेरियल भी चाहिए। ऐसा नहीं कि यू टेक एनी फिल्म, एक छोटी सी सब्जेक्ट, अगर हैदराबाद ब्लूज़ की बात करो, उसको लेकर के ड्रामेटिक फिल्म बनाओ। हर फिल्म की एक नैरेटिव स्ट्रक्चर, एक स्टाइल होती है, सेंसिबिलिटीज। डोर वॉज वन सच अपॉर्चुनिटी। जब आप मेरे पिछले फिल्मों के बारे में बात करो तो हर फिल्म हैज़ बीन सक्सेसफुल, पर जब आप हिंदी में फिल्म बनाओ तो ऑडियंस तो ऑटोमेटिकली वाइडर हो जाती है ना। सो इट्स नॉट दैट आई मेड फिल्म्स प्रेडोमिनेंटली इन इंग्लिश, सो इट हैड अ लिमिटेड ऑडियंस। सो माई चॉइस फॉर अ ड्रामेटिक फिल्म was not to reach out into a wider audience, क्योंकि उसका तो कोई गारंटी है नहीं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चुना हो और ऑटोमेटिकली ऑडियंस के साथ क्लिक हो। इट इज़ मोर अ क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी एज इट। ओके नागेश, अब पिछली फिल्मों के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा जो सराहा गया, तो लोग आपको बहुत इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर मानते हैं कि आप बहुत दिमाग से फिल्मों को बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बना देते। जब डोर रिलीज़ होगी तो आपको क्या लगता है, क्या वही सेम इम्पैक्ट वही रहेगा? ये कौन जाने। मैं पैशन के साथ फिल्म्स बनाता हूँ, अपने सेंसिबिलिटीज़ के साथ बनाता हूँ, अपने
जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा और क्रिएटिव स्ट्रक्चर है, आई मेक इट विद दैट. हाउ द ऑडियंसेस परसीव इट, ये तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. बॉक्स ऑफिस पे क्या असर होगा ये फ्राइडे के बाद ही पता चलेगा. सो दीज आर थिंग्स दैट आई डोंट कंट्रोल. तो दीज आर थिंग्स आई डोंट वेस्ट टाइम ओवर. ओके नागेश, आयशा और गुल दोनों हैं और दोनों ग्लैम गर्ल हैं इंडस्ट्री की, मतलब बहुत ग्लैमरस नहीं लेकिन फिर भी दोनों के जो इमेज है फिल्म में काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, तो उसकी वजह आप बताइए इन दोनों को क्यों चुना, क्या रीज़न था? वेल गुल को तो मैं ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू कैस्ट किया, तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस. किसी ने रिकमेंड किया कि दैट आई शुड लुक एट आयशा टाकिया, और माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि Why would I look at someone like her? पर तब एक्चुअली मेरे एडी ने कहा कि नसीर जी ने उनके साथ काम किया, यूँ होता तो मैं. सो आई सेड दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वांडर व्हाई नसीर कैस्ट हर. सो आई गॉट अ डीवीडी ऑफ सोचना था, और तब मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग इन हर दैट कैन वर्क फॉर दिस फिल्म. एंड जब कोई डायरेक्टर कैस्ट करता है तो ही इज जस्ट गोइंग ऑन हिज इंट्यूशन, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं है कि वो इंट्यूशन हर बार सही हो. सो बट इन दिस केस आई लक्ड आउट. तो मैं जब एक्टर्स को देखता हूँ तो उनके इमेज को नहीं देखता हूँ, आई लुक एट द फैक्ट दैट क्या उनको इस रोल, क्या वो इस रोल में फिट हो सकते हैं कि नहीं, दैट्स माय क्वेश्चन. और अगर होते हैं तो आई एम विलिंग टू वर्क विद एनीवन. ओके, आखिरी सवाल नागेश, डोर टाइटल क्यों? वेल जो कहते हैं फेट, कर्मा, या अंग्रेजी में कहावत है द स्ट्रिंग दैट बाइंड्स, द थ्रेड दैट बाइंड्स. सो दिस फीलिंग की ऑल आर लाइव्स आर कनेक्टेड. और मुझे ऐसा लगा, ऑब्वियसली जब आप फिल्म को देखोगे तो समझोगे दैट द लाइव्स आर कनेक्टेड इन सम वे. तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड वर्ड फॉर दैट, एंड एक्चुअली माई प्रोड्यूसिंग पार्टनर इलाही सजेस्टेड इट कि क्यों ना हम डोर रखें. इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड. सो दैट्स हाउ इट एंडेड अप. ओके, थैंक यू. यू आर वेलकम.